दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो प्रमुख अपडेट के बारे में। पहली जो अपडेट है वो लोक सेवा आयोग से एलटी गेट भर्ती 2023 विज्ञापन और प्रतीक्षा सूची को लेकर के है। दूसरी अपडेट यहाँ पर है यूजीसी नेट को लेकर के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अभ्यर्थी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पहली अपडेट के बारे में। आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग से 2018 में पहली बार एलटी गेट भर्ती आई थी, और वो भी अभी कुछ ऐसे छात्र हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं प्रतीक्षा सूची वाले। तो द्वितीय सूची जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनकी जारी होनी है, लेकिन अभी तक जारी नहीं हो पाई है, तो इस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे एलटी गेट 2023 नए विज्ञापन को लेकर के, तो इसको भी लेकर के आप लोग जानते हैं कि अध्याचन पहुंच चुका है, करीब 5400 पदों का अध्याचन पहुंचा हुआ, उसके बाद भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। समकक्ष छात्रता को लेकर के मामला फंसा बताया जा रहा है, वहीं पर प्रतीक्षा सूची का मामला जानबूझ करके फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो प्रतियोगी छात्र है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और उनकी अगुवाई में जो टीम है वो कल 22 मार्च को लोक सेवा आयोग गई थी, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी उनसे मुलाकात करने नहीं आए, कोई भी मौके पर उपस्थित नहीं था, जिस पर प्रतियोगी छात्र काफी नाराज दिखे और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों पर प्रतियोगी छात्र काफी खफा हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बार बार जानबूझकर वादा खिलाफी की जा रही है, वेटिंग लिस्ट जानबूझकर जारी नहीं की जा रही है, नए विज्ञापन को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। तो प्रतियोगी छात्रों ने यहाँ पर ठान लिया है कि अब आगामी 27 मार्च को लोक सेवा आयोग पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें जो प्रतियोगी छात्रों की मांगे हैं उनको जल्द से जल्द लोक सेवा आयोग पूरा करे, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की एलटी गेट भर्ती की राह देख रहे हैं, इंतजार में है कि विज्ञापन जारी हो, साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो सभी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग 27 मार्च को जरूर पहुंचे। पूरे प्रदेश भर से अभ्यर्थी 27 मार्च को लोक सेवा आयोग पहुंच रहे हैं, आप भी जरूर पहुंचिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट यहां पर है यूजीसी नेट को लेकर के। यूजीसी नेट के लिए लेटेस्ट नोटिस जारी की गई है। आप लोग जानते हैं दिसंबर 2022 साइकिल के लिए अभी हाल ही में एग्जाम खत्म हुए हैं, 5 फेस में एग्जाम करवाए गए हैं, 21 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक ये एग्जाम आपके चले हैं। तो इनके आंसर की के बारे में नोटिस है जिसमें बताया गया है कि पांचों फेस की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है, इसमें आप लोग अपनी आंसर की को मिलान कर सकते हैं, और अगर किसी भी प्रश्न या उत्तर में आपको दिक्कत लगती है, गलत है, तो उसमें आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, आंसर की आप कभी भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन डालने के लिए जो डेट रखी गई है आज 23 से 25 मार्च रखी गई है शाम 8 बजे तक, और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 25 मार्च रात 12 बजे तक की डेट रहेगी, यानी 11:50 तक की। साथ ही साथ प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्शन डालने के लिए आंसर की में आपको ₹200 प्रति प्रश्न आपको पेमेंट भी करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरी डिटेल्स हैं, और आपको बता दें कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 इस परीक्षा में 5 फेज की जो परीक्षा हुई है इसमें 834,537 जो अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो आप लोग आंसर की का मिलान कर सकते हैं, नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो @abtech123 को आप सर्च करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।